सिनेमा जगत है। यहाँ जितना चकाचौन दूर से दिखाई देता है, पास आकर देखोगे तो शायद उसी चकाचौन में न जाने कितनी ही बार कितनी ही फिल्मी सितारे गुम हो जाते हैं, न जाने कितने ही चेहरे उस चमकती हुई रोशनी में चमकने की जगह कहीं खो जाते हैं, और कुछ इस तरह खो जाते हैं कि फिर कभी ढूंढने पर भी नजर नहीं आते हैं। कुछ इसी तरह गुम हो गई थी 70-80 के दशक की डर्टी एक्ट्रेस या सिल्क एक्ट्रेस स्मिता पाटिल, एक ऐसी अदाकारा जिन्होंने कभी भी फिल्मों में बोल्ड से बोल्ड सीन करने में कभी भी गुरेज नहीं किया था। खूबसूरती और सशक्त अभिनय की अदाकारा स्मिता पाटिल। यूं तो स्मिता पाटिल से जुड़ी कई सारी कॉन्ट्रोवर्सीज अभी तक हम सब ने सुनी हैं, पढ़ी हैं, लेकिन आज स्मिता से जुड़ी एक ऐसी कॉन्ट्रोवर्सी हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं जो उनकी छोटी सी जिंदगी की आखिरी कॉन्ट्रोवर्सी साबित हुई। जी हाँ, बात कर रहे हैं स्मिता पाटिल की मौत से जुड़ी हुई कॉन्ट्रोवर्सी के बारे में, जिसकी वजह से आज तक राज बब्बर को स्मिता के फैंस भला बुरा तक कह देते हैं। राज बब्बर वो नाम जो स्मिता की जिंदगी बन चुका था, जिस नाम को स्मिता ने अपनी दुनिया बना लिया था, और वही नाम जो आखिरकार उनकी छोटी सी उम्र में मौत की बड़ी वजह भी बना। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार स्मिता की मौत अपने और राज बब्बर के बच्चे की डिलीवरी के कुछ ही वक्त बाद हो गई थी, जिस बच्चे के लिए कहा जाता है कि राज बब्बर राजी भी नहीं थे। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि कहा तो ये भी जाता है कि मेडिकली नहीं बल्कि कुछ और वजह थी सिर्फ स्मिता के जाने के पीछे, और वो था राज बब्बर का बेगारपन और साथ ही उनकी बेरुखी जो स्मिता झेल नहीं पा रही थी। आपको बता दें कि राज बब्बर और स्मिता पाटिल के प्यार के चर्चे खूब थे। राज बब्बर के शादीशुदा होने के बावजूद भी स्मिता और उनकी मोहब्बत परवान चढ़ रही थी। हालांकि इसी वजह से स्मिता को घर तोड़ने वाली औरत भी कहा जाने लगा था, लेकिन इन सब से इन दोनों ही प्रेमियों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। हालांकि बाद में जब स्मिता प्रेग्नेंट हो गई तो राज बब्बर स्मिता के साथ बेरुखी के साथ पेश आने लगे थे, और इसी के चलते स्मिता बेहद डिप्रेस्ड और इसी वजह से स्मिता बेहद डिप्रेशन में चली गई थी। और जैसे ही इस बच्चे की डिलीवरी हुई तो हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस की वजह से और साथ ही साथ इस डिप्रेशन की वजह से वक्त पर दवाई ना लेने के कारण स्मिता की मौत हो गई थी। और आपको बता दें कि वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि प्रतीक बब्बर ही थे, जो अपने पैदा होने के बाद एक बार भी अपनी उस माँ की शक्ल तक नहीं देख पाए और ना ही कभी अपनी माँ का स्पर्श महसूस कर पाए थे। तो बॉलीवुड से जुड़ी ऐसे ही कुछ कॉन्ट्रोवर्सीज जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल टॉप न्यूज़ जस्ट फॉर यू। टॉप न्यूज़ से आस्था की रिपोर्ट।